नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर घर में छिपकली दिखे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी या बरसात के मौसम में घर में छिपकली का होना आम बात है। अक्सर जब हम अपने कमरे या घर के किसी कोने में छिपकली को देखते हैं तो उसे झाड़ू या डंडे से भगाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। शास्त्रों में छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए ना छिपकली से डरना चाहिए और ना उसे भगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छिपकली हमें भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में भी संकेत देती है। दिवाली की रात छिपकली दिखना। अगर दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव ही बनी रहेगी। छिपकलियों को लड़ते हुए देखना। छिपकली का आपस में लड़ना अशुभ माना जाता है। यदि छिपकलियां आपस में लड़ती दिखाई दें, तो घर के सदस्यों का आपस में अथवा दूसरों के साथ झगड़ा या मतभेद होता है। नर और मादा छिपकलियों का समागम। अगर छिपकलियां समागम सेक्स करती दिख जाएं, तो यह एक अच्छा शकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छिपकली समागम करती दिखें तो आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। अगर घर में छिपकली दिखे तो क्या करना चाहिए। अगर आपको घर में छिपकली दिख जाए तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कंकु चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। यह काम करते समय अगर आपके मन में कोई मनोकामना हो तो उसे मन ही मन बोलें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कामना करें कि पूरी हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार छिपकली की पूजा से जीवन में धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। नए घर में छिपकली दिखना। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो और आपको छिपकली मरी हुई दिखे जाए या मिट्टी में दिखे तो यह अशुभ संकेत है। इसका मतलब होता है कि गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। सपने में छिपकली दिखना। अगर आपको सपने में छिपकली शिकार करते हुए, कीड़े मकोड़े खाते या हमला करते हुए दिखे तो यह अशुभ संकेत है। इसके अलावा सपने में छिपकली को मारना, छिपकली से डरना या रेंगते हुए देखना भी अपशकुन माना जाता है। ये सभी संकेत भविष्य में होने वाले अशुभ कार्यों या घटनाओं को दर्शाते हैं। वहीं अगर आपको सपने में दिखे कि आपने छिपकली को पकड़ रखा है या छिपकली आपसे डरती हुई दिखाई देती है तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका यह मतलब होता है कि आपको भविष्य में जल्द ही शुभ समाचार मिल सकता है या आपके साथ कुछ अच्छा होगा। बट पूजा घर में छिपकली का होना। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पूजा घर में छिपकली का होना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन संपत्ति बनी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।